पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन। लगभग चार दशक तक अपनी प्रतिभा से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली एक अभिनेत्री, आपने अपने बयान में मुलजिम को जन्म का चोर, डाकू, चक्का कहा है, इससे आपका क्या मतलब? जिसने सैकड़ों फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हंसो नहीं, संसार का भार उठा लोगे देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। कला के क्षेत्र का वो बड़ा नाम जो अपने चाहने वालों के लिए किसी मजहब या जाति से ऊपर बस एक उम्दा कलाकार थी। लेकिन क्यों फिर उनके धर्म को लेकर अचानक सवाल उठने लगे थे और लोगों ने इसे लेकर हंगामा शुरू कर दिया? सवाल पैदा होता है कि क्यों किया? मैं अपनी जिरह से इसी सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, अगर थोड़ी देर के लिए आप हुजूरे वाला और जज रघुनाथ साहब दोनों मुझ पर भरोसा रख सके। क्यों उनके बेटे संजय दत्त ने अपने एक मुकदमे के दौरान ये कहकर बहस छेड़ दी थी कि उनकी माँ चूंकि मुस्लिम थी इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं गीता की कसम तो नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे लिए गीता, कुरान, बाइबल जो भी है, वो खड़ी वो औरत मेरी माँ है। आखिरकार उनके कहने की क्या वजह थी और इस विवाद का नरगिस के धर्म से क्या ताल्लुक था? तो अपने आज के इस शो में हम आपको देंगे इससे जुड़ी तमाम जानकारियां, साथ ही बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। कौन थे नरगिस, क्या था उनका वास्तविक धर्म और क्यों एक कलाकार के धर्म को लेकर अचानक विवाद खड़े हो गए थे? क्या था उनका गांधी नेहरू परिवार से कनेक्शन? तो आज के अपने शो में इन तमाम बातों पर हम आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी। हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा नरगिस का जन्म इलाहाबाद में 1 जून 1929 को हुआ था। उनकी माँ का नाम था जद्दनबाई, जो एक उच्च स्तर की कलाकार मानी जाती थी। दरअसल उनकी पहचान नरगिस की माँ की ही नहीं थी बल्कि वो खुद काफी मशहूर थी। वो एक उम्दा शास्त्रीय गायिका, नृत्यांगना, संगीतकार, फिल्म निर्माता और एक बेहद साहसी महिला थी। इससे पूरी तरह से समझने के लिए उनकी कहानी को और गहराई से जानना होगा। दरअसल जद्दनबाई की माँ दलीपाबाई इलाहाबाद के पास मेजा की रहने वाली एक ब्राह्मण कन्या थी। बताया जाता है कि वो बाल विधवा थी और नाचने गाने वाले मिराकियों के एक गैंग ने उनका अपहरण कर लिया था। इसके बाद उनकी शादी उनके पिता की उम्र के एक मुस्लिम सारंगी बजाने वाले से कर दी गई, जिस शख्स का नाम था मियां जान। हालांकि ये सिर्फ नाम की शादी थी और उन्हें मिराकियों ने मोटी रकम लेकर एक हिंदू वकील के पास उनकी बिन ब्याही पत्नी के तौर पर रख दिया था। इस रिश्ते के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इन दोनों की एक बेटी हुई जिनका नाम रखा गया जद्दनबाई। जद्दनबाई को बचपन से ही नाचने गाने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन अच्छी तालीम नहीं मिल पाने की वजह से उनको अपने प्रदर्शन में कुछ कमी महसूस होती रहती थी। इस वजह से उन्होंने भैया साहब गणपत राव से संपर्क किया, जो कि उस समय के जाने माने कलाकार थे, और वो चली गई कलकत्ता और यहाँ जाकर उनकी शिष्या बन गई। बताते हैं कि साल 1920 में गणपत राव के निधन के बाद जद्दनबाई ने उस्ताद मोइनुद्दीन खान, चड्डू खान और फिर लाभ खान से तालीम हासिल की। इन तालीमों का फायदा ये हुआ कि जद्दनबाई एक आला दर्जे की कलाकार बन गईं। तब रेडियो का जमाना था जिस पर जद्दनबाई के गीतों ने खूब तहलका मचाया। भारत में बड़े स्तर पर कारोबार करने वाली ब्रिटेन की कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी ने उनके गानों को रिकॉर्ड किया तो उनकी ख्याति दूर दूर तक जा पहुंची। उनकी शोहरत ऐसी फैली कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबार और नवाबों के महफिल में उन्हें गाने के लिए बुलाया जाता था। रामपुर, लखनऊ, बीकानेर, ग्वालियर, इंदौर, कश्मीर, जोधपुर और इसके अलावा भी कई राजघरानों से उन्हें बुलावा आता था, जिसके लिए वो भारी भरकम फीस लेती थीं। इसी बीच जद्दनबाई को कोलकाता के एक गुजराती व्यापारी नरोत्तम दास खत्री यानी बच्ची बाबू से प्यार हो गया।
बच्चे बाबू ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम रख लिया मोहम्मद नजीर हुसैन। दोनों ने शादी कर ली और एक बेटा हुआ अख्तर हुसैन, जो बाद में एक मशहूर कलाकार बने। लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक चल ना सकी। आगे जद्दनबाई ने दूसरी शादी की एक हारमोनियम बजाने वाले उस्ताद इशाद मीर खान से। इस शादी से भी उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया अनवर हुसैन, जो 1940 के दशक से 1980 के दशक तक हिंदी फिल्मों में जाने माने चरित्र अभिनेता रहे। इसके बाद जद्दनबाई ने तीसरी शादी की लखनऊ के एक जाने माने व्यापारी के बेटे मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी से। बताया जाता है कि मोहन चंद को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी जो कि ये दावा करती है कि फिर मोहन चंद ने शादी के बाद इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम रख लिया था अब्दुल रशीद, तो दूसरा ये एक दावा किया जाता है कि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला बल्कि जद्दनबाई ने हिंदू धर्म अपना लिया था इस शादी के लिए। ये दावा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ आधिकारिक दस्तावेजों में उनका नाम जया देवी त्यागी पाया गया है। खैर, सच चाहे जो हो, दोनों की एक बेटी हुई जिसे जद्दनबाई ने बेबी रानी और बेबी फातिमा का नाम दिया, लेकिन पिता ने बेटी का नाम रखा तेजस्वरी उत्तम चंद मोहन चंद। उन दिनों हिंदुस्तान में दो जगहों पर हिंदी फिल्में बनती थीं, एक बॉम्बे और दूसरा लाहौर। जद्दनबाई को 1930 के दशक में लाहौर से कुछ ऑफर मिले और उन्होंने वहां की कुछ फिल्मों में बतौर कलाकार अभिनय किया और गीत गाए। फिर उन्होंने बॉम्बे का रुख किया, जहां शुरुआत में गायिका और म्यूजिक डायरेक्टर बनी और जल्द ही फिल्म निर्माण में जुट गईं। दावा किया जाता है कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर थीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने बेटी बेबी रानी को बतौर बाल कलाकार फिल्मों में उतार दिया। फिल्म का नाम था तलाशे हक। बेबी रानी का नाम रखा गया बेबी नरगिस। पर्शियन भाषा में डैफोडिल फूल को नरगिस कहते हैं। कुछ दिनों बाद महज 14 साल की उम्र में नरगिस को लीड एक्ट्रेस बनाकर फिल्म में लॉन्च किया गया। ये थी 1943 में आई फिल्म महबूब खान की तकदीर। इस फिल्म में लीड एक्टर थे मोतीलाल। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसके बाद नरगिस का जादू दर्शकों पर ऐसा चला कि उन्हें खूब सारी हिट फिल्में मिली। फिल्म मेला और अनोखा प्यार में उनकी जोड़ी दिलीप कुमार के साथ बनी तो फिल्म आग में राज कपूर के साथ। साल 1949 में महबूब खान ने नरगिस को अपनी फिल्म अंदाज में मौका दिया, जिसमें दो लीड एक्टर थे, दिलीप कुमार और राज कपूर। नरगिस इस फिल्म में राज कपूर की पत्नी बनी थी और ये फिल्म ऐतिहासिक हिट साबित हुई। इसके बाद राज कपूर ने नरगिस के साथ एक और फिल्म बनाई जो थी बरसात। ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। कहते हैं इसके बाद राज कपूर नरगिस के फैन हो गए थे और इसके बाद उन्होंने नरगिस को लेकर अगली फिल्म बनाई आवारा, और इसके बाद तो एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में आईं जो कि सुपरहिट रहीं और राज कपूर और नरगिस की जोड़ी वर्ल्ड फेमस हो गई। दम भर जो उधर मुंह फेरे तो चंदा। और इसके बाद तो नरगिस ने राज कपूर के साथ दर्जनों फिल्मों में काम किया। बताया जाता है कि इसी दौरान नरगिस और राज कपूर एक दूसरे के काफी करीब आ गए। लेकिन बताते हैं कि राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा को छोड़कर नरगिस से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और नरगिस को दूसरी औरत बनकर रहना मंजूर नहीं था। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया। फिर आई फिल्म मदर इंडिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। सन 1957 में आई महबूब खान की इस फिल्म में उनके तीन को स्टार्स थे, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और सुनील दत्त। ये फिल्म नरगिस के करियर की सबसे सफल, सबसे यादगार और क्लासिक फिल्म रही। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन, स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत।
इसे ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। उस समय के कला समीक्षकों ने उनकी तारीफ में लिखा कि फिल्म में राधा के सशक्त किरदार को नरगिस ने जिस प्रभावशाली ढंग से निभाया, उतना कोई और नहीं निभा सकता था। इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड जीते, जिसमें नरगिस की निजी जिंदगी को भी इस फिल्म ने एक बड़ा अवार्ड दिया, और वो थे जीवन साथी के तौर पर उनके पति सुनील दत्त। कहा जाता है कि फिल्म के सेट पर लगी आग में नरगिस बुरी तरह से घिर गई थी, जिन्हें लंबे चौड़े मजबूत सुनील दत्त ने जान पर खेलकर बाहर निकाला और आग से उनकी जान बचाई। इस घटना के बाद नरगिस ने कहा कि पुरानी नरगिस की मौत हो गई है और एक नई नरगिस का जन्म हुआ है। लोग दावा करते हैं कि नरगिस ने उसी दिन से सुनील दत्त को अपना जीवन साथी चुन लिया था। हालांकि बाद में सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नरगिस ने उनकी बहन का बहुत अच्छी तरह से इलाज करवाया और इससे उन्हें यकीन हो गया कि नरगिस उनके परिवार का और उनका अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हैं। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और वो अपने परिवार पर ध्यान देने लगी। करीब 10 साल बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने 1967 में फिल्म रात और दिन में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। नरगिस को अपने सिने करियर में मान सम्मान बहुत मिला। वो पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और वो राज्यसभा सदस्य भी बनाई गई। बताया जाता है कि नरगिस इंदिरा गांधी के काफी करीब थी और दोनों के बीच खून का रिश्ता था। दावा किया जाता है कि नरगिस की नानी दलीपा बाई, जिस जाने माने वकील के पास उनकी दूसरी औरत के तौर पर रहा करती थी, वो कोई और नहीं बल्कि उस जमाने के जाने माने कांग्रेसी नेता और इंदिरा गांधी के दादा मोतीलाल नेहरू थे। विकिपीडिया समेत कई वेबसाइट्स और किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। बहरहाल इस दावे में कितना दम है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरी कहानी में नरगिस और उनके पुरखों की बार बार हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच चलती और आपस में मिलती आस्थाओं का असर उनके पूरे परिवार पर पड़ा। जैसा कि नरगिस ने भी एक बार कहा था कि कलाकार की कला धर्म और जाति से परे होती है, लेकिन इस सब के बावजूद नरगिस के बेटे संजय दत्त ने जब अदालत में अपनी मां के धर्म को लेकर खुद को टारगेट किए जाने की बात की, तो लोगों में इसे लेकर बहस छिड़ना लाजमी था। हालांकि बाद में इस पर हंगामा होता देख और खुद को घिरा देख संजय दत्त ने खेद जता दिया था। खैर, नरगिस की आगे की जिंदगी की बात करें तो उन्हें स्टेज 4 का कैंसर डिटेक्ट हुआ और इलाज के लिए उन्हें अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। जब वहां भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो उन्हें वापस ले आया गया। बताते हैं कि वो अपने बेटे संजय दत्त के काफी करीब थी और उनकी इच्छा थी कि उसकी पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर जरूर जाएं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म के प्रीमियर की तारीख 8 मई 1981 रखी गई थी, लेकिन इससे पहले ही 3 मई को ही नरगिस इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी मौत के बाद उनके शरीर को उनकी मां जद्दनबाई की कब्र के पास मुस्लिम रीति रिवाज से दफना दिया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको भी इससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा पता हो तो वो भी जरूर लिख डालिएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रेवल ब्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहाँ आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए, कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।